हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी बनती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ब्रेकफास्ट हो या फिर आपको लगे ज़ोरों की भूख और कुछ बनाना हो, तो बस ये रेसिपी तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। चलिए कैसे बनाना है इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कप प्लेन फ्लावर लेना है, और इसमें मैं हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून ही मैं इसमें शक्कर डालूंगी, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल। इसके साथ ही इसको गूंथने के लिए हमें चाहिए होगा गुनगुना दूध। तो हाफ कप मैंने दूध डाली है और हाफ कप मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ दूध से भी इसका बैटर तैयार कर सकते हैं और ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हमें ज़ोरों की भूख लगती है तो लगता है कि बस काम कम से कम हो और बस फौरन से जो बना रहे हैं वो बन जाए, इसलिए आपको आटा वगैरह कुछ भी गूंथने की ज़रूरत नहीं है, और इंस्टेंट झटपट फटाफट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखा आपने, यहाँ पे बस बहुत अच्छे से मैंने मिला दिया है, और ये पराठे का जो डो है वो डो नहीं, ये लिक्विड पेस्ट जो है रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल इसका टेक्सचर होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फाइन टेक्सचर की होनी चाहिए। तो ये देखें, बहुत अच्छे से हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसमें हरे धनिए के पत्ते डाल रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से मिलाऊंगी। इसका जो बैटर है ना, आप मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है आपने। मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपने इस बैटर की कंसिस्टेंसी को रखनी है। तो बस यहाँ पे ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो क्योंकि ये इंस्टेंट और झटपट रेसिपी है, तो बस फटाफट चले इससे पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें एक पैन लेना होगा, नॉन स्टिक पैन। इसमें हल्का सा ऑयल इस तरह से ड्रिजल करूँगी मैं, और 1 कप फुल भर कर मैं ये डाल रही हूँ इसमें मिक्सचर, और ये बैटर स्प्रेड होकर इस तरह से सेटल होने लगेगा। ऊपर की सरफेस भी हल्की हल्की ड्राई होने लगेगी, तो इसके एजेस पे आपने हल्का सा ऑयल ड्रिजल करना है, जिससे पराठे जो हैं अच्छे कुरकुरे क्रिस्पी टाइप के बनेंगे। अगर आपको कम तेल चाहिए तो आप बिल्कुल ग्रीस कर लें, तेल या बटर जो भी आप डालना चाहें बना सकते हैं उससे। बस थोड़ा वेट करें, थोड़ा इंतज़ार करें ऊपर की सरफेस ड्राई होने का। फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे, और आपको जब ऊपर की सरफेस ड्राई दिखने लगेगी तो बस टाइम है इसे फ्लिप करने का। तो देखें बहुत ही केयरफुली कितनी ईजली ये फ्लिप हो चुकी है, और इस तरफ से हमें इसको पलट लेना है, और इसे हमें दूसरे तरफ से भी अच्छे से कुक कर लेना है। तो ये बिल्कुल हेल्दी पराठा बन रहा है। तो मैं यहाँ पे अंडे का ट्विस्ट डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे प्लेन भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसके जो अंडे पराठे बनते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से एक अंडा मैंने बोल में तोड़ लिया है, और यहाँ पे मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और इस स्पैटुला से ही मैं इस तरह से इसे स्प्रेड कर दूंगी। जितनी सरफेस पे हमारी पराठे या रोटी जो है बनी हुई है, बस उतना ही हमें इस तरह से स्प्रेड कर देना है, और फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, जिस तरह से क्या होगा कि अंडा धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अंडा बिल्कुल सेटल हो रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर नमक वगैरह डालूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ, टेस्ट के हिसाब से। एक अंडे में जितना आपको चाहिए नमक उतना डाल लीजिए। थोड़ा सा फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालें, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और काली मिर्च का टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा। और इसके साथ ही मैं इसको और भी चटपटा बनाने के लिए इस पर डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दी है, थोड़ा लुक इसका बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ हरे धनिया के पत्ते। तो हल्का सा बस तरह से मैंने तोड़ कर डाल दिया है, और बस कुछ सेकंड हमें वेट करना है, अंडे को पूरा पूरा सेटल होने देना है। देखिए योक जो है अच्छा सेटल हो चुका है, अंडे का वाइट पोर्शन भी जो है वो भी बहुत अच्छा सा सेटल हो गया है। तो अब बहुत ही केयरफुली इसे फ्लिप करना है, और बहुत ही ईजली ये पलट जाती है इस तरह से, देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और बस हल्का हल्का तेल अगर आपको ज़रूरत लगे तो ड्रिजल करें, और बस इस पराठे को दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक लें। तो है ना ये क्विक एंड ईजी अंडा पराठा रेसिपी। तो वैसे भी हमें ब्रेकफास्ट में होलसम फूड लेना चाहिए, जिसमें हमें पराठे, अंडे, दूध वगैरह। तो ये पराठे में ना सब कुछ एक ही चीज़ में डला हुआ है और बहुत हेल्दी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक और बात, मैंने यहाँ पे प्लेन फ्लावर से बनाया है, आप चाहें तो होल व्हीट फ्लावर से भी इसका बैटर बना सकते हैं, और ये पराठा और भी हेल्दी बन जाएगा। तो मर्ज़ी आपकी है, आपके यहाँ पे लोग कैसे पसंद करते हैं, आपके बच्चे कैसे खाते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे बस वैसे ये पराठे बना लीजिए। तो इसमें दूध है, इसमें है अंडे, तो बन गया ना ये पराठा था सुपर हेल्दी। तो देखें दोनों तरफ से मैंने इसे बहुत अच्छे से सेक लिया है, बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, और अंडा भी बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो बस यहाँ पे ये हमारा पहला पराठा जो है बिल्कुल तैयार है। तो ब्रेकफास्ट हो या आपको लगे इंस्टेंट जोरों की भूख, ये पराठा आप जरूर ट्राई करें। बिना मेहनत के बस
एक मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, इसकी एजेस हल्की क्रिस्पी हो गई है और ये बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो इस पराठे को मैंने सेक कर इस तरह से निकाल लिया है और अभी मैं इसे सर्व करूंगी इसका रोल बनाकर, क्योंकि उससे ये बहुत ईजी होगा और खाने में भी आसान होगा। तो इस तरह से बस इसके रोल तैयार कर लेने हैं हमें, इसे फोल्ड करना है और इस तरह से ये बन गया रैप। तो यहाँ पे इस तरह से आप इस पराठे को सर्व करें। आप चाहें तो इस पराठे को बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और फिर किसी भी टाइम नाश्ते में, स्नैक पे कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो एक बार प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें, एक और तरीका है इस पराठे को बनाने का, वो कैसे है देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वापस से एक अंडा लिया है और अंडे में मैं थोड़ा सा नमक वगैरह चीज़ें डालूंगी। तो यहाँ पे नमक डाला है मैंने, थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला पाउडर डाल रही हूँ। तो अंडे में आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं। तो नमक, चाट मसाला डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऑमलेट कट कटी हुई प्याज डालूंगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा इसमें और बस इसे हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। तो जिस तरह से हम ऑमलेट तैयार करते हैं बस वैसे ही हमें अंडे को तैयार कर लेना है। और अब सबसे पहले ये बैटर डालेंगे, जो हमारा डो का बैटर है वो तैयार किया हुआ इसमें डालेंगे। इस तरह से बहुत ही ईजिली देखें स्प्रेड हो गया है और बस अब इंतज़ार करना है ऊपर की सरफेस ड्राई होने का। तो जब ऊपर की सरफेस एक बार ड्राई हो जाएगी तो बस क्या करना है हमें, इसकी साइड को चेंज करना होगा। देखिए कितने अच्छे से हमारा ऊपर का सरफेस ड्राई हो चुका है। तो बस इसे केयरफुली फ्लिप करूंगी मैं और बस इस तरह से हमें दोनों तरफ से इसे सेक लेना है। तो जब इसकी साइड को चेंज की है मैंने, तो अब ऊपर की सरफेस हल्का सा मैं ग्रीस कर दे रही हूँ ऑयल से, क्योंकि अंडा पराठा बन रहा है तो उसमें थोड़ा ऑयल लगेगा, क्योंकि अंडे को भी हमें कुक करना है ना इसीलिए। तो यहाँ पे ये सारा मिक्सचर जो है इस फ्लिप किए हुए हमें पराठे के ऊपर डालना है। इस तरह से किसी फोक से आप स्प्रेड करें जिससे जो अंडे का बैटर है ना वो सब तरफ से लगे, कहीं पर से छूटे नहीं, और ये बहुत अच्छे से ये वाला अंडा पराठा और भी अच्छा बनेगा। तो बस दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से ये अंडा पराठा बनाएं और ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत अच्छी लगेगी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए सारा अंडा मैंने इस पर डाल दिया है, अब थोड़ा सा मैं तेल ड्रिजल कर रही हूँ और कुछ सेकंड हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना होगा। फ्लेम आप मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे तवा गर्म है ऑलरेडी और ये बहुत अच्छे से सिक रहा है। जब इसकी एजेस पे हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आने लगेगा तो हमें पता चलेगा कि इसे फ्लिप करना है। तो अभी तक यहाँ पे गोल्डन सा कलर नहीं आया है। तो यहाँ पे आधे से एक मिनट हो चुके हैं और अंडा पूरी तरह से सेटल हो चुका है। साइड साइड पे आप देख रहे हैं हल्का हल्का गोल्डन सा कलर भी आना शुरू हो गया है। तो बस इसे मैं अब फ्लिप करूँगी। बहुत ही ईजिली इसे पलटना है, थोड़ा केयरफुली हैंडल करेंगे, बहुत ईजिली आसानी से ये फ्लिप हो जाती है। देखिए इस तरह से, तो हल्का सा जो मिक्सचर है, जो लिक्विड है वो नीचे रह गया है और फिर मैंने इसे बहुत केयरफुली फ्लिप कर दिया है और बस इस तरफ से भी हमें इसे बहुत अच्छे से सेक लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी, बहुत ही यमी डिलीशियस ये पराठा बनकर तैयार होगा और ये बहुत अच्छा लगता है। तो गर्मा गर्म चाय और सुबह के टाइम में ये इंस्टेंट झटपट बिना किसी मेहनत के बन जाने वाला पराठा, तो फिर बस तो सुपर ब्रेकफास्ट बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, दोनों तरफ से इस पराठे को बहुत अच्छे से सेकें और बस ये आपका झटपट इंस्टेंट पराठा रेडी हो जाएगा। तो ये पराठा हमारा एक तरफ से बहुत अच्छा सिक चुका है। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और जिस तरफ हमने अंडे का मिक्सचर डाला था वो भी बहुत अच्छे से सिक चुका है, देख रहे हैं कहीं पर से भी कच्चा नहीं दिख रहा है। तो दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेक ले, दबा दबा कर स्पैचुला से बहुत अच्छे से सेक ले और ये गर्मा गर्म पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको सर्व करूंगी मैं बहुत ही अलग तरीके से। तो यहाँ पे देखें मैं इसे बस निकाल ले रही हूँ प्लेट में, गर्मा गर्म ये हमारा डिलीशियस अंडा पराठा बिल्कुल रेडी है। और वैसे अंडा पराठा जो हम बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, उसमें कितना मेहनत लगता है, ये जो रेसिपी है ना आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इसे सर्व करने के लिए मैं पिज्ज़ा कटर से इसके पीसेस कट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये वाकई में थोड़ा बड़ा है तो खाने में आसानी रहेगी और बच्चे आराम से इसे बाइट लेकर खा सकेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से कितने अच्छे से ये हमारा अंडा इसके ऊपर स्प्रेड हुआ था। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा अंडा डालना है तो आप दो अंडे से भी ये ऑमलेट बनाकर ये पराठा बना सकते हैं। तो बस इस तरह से आप बस इस पराठे को सर्व करें। आपको अगर केचप अच्छा लगता है तो उसके साथ में खाएं, या फिर आपको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है उसके साथ में एंजॉय करें इस पराठे को। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस हमारा ये सुपर्ब अंडे का पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है बिना किसी मेहनत के। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको अंडे का पराठा बनाना बताया है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, कन्वीनियंट हो, आप वो पराठा बनाएं और इन्जॉय करें। ये जो मैंने बैटर बनाया है इससे आप रोल या रैप भी बना सकते हैं। तो एक रैप की रेसिपी आगे है,
इसके लिए हमें एक स्टफिंग तैयार करनी होगी। उसके लिए मैं एक चम्मच तेल डाल रही हूँ इसमें, और जब तेल गर्म हो गई है तो इसमें मैं बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ, और इसे बस हल्का सा फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे डालूंगी मैं एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसे भी हल्का सा सॉटे कर ले रही हूँ मैं यहाँ पे। और अब मैं इसमें डालूंगी श्रेडेड चिकन। तो यहाँ पे मैंने एक बोल चिकन लिया था, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है नमक डालकर, और इसके श्रेड इस तरह से रेशे रेशे अलग कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और डालकर बस इसे मैं हल्का सा सॉटे कर ले रही हूँ। तो आप ये बैटर के साथ में रैप या रोल भी बना सकते हैं, जिसकी स्टफिंग मैं तैयार कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप इस बैटर से इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, पहले तो पराठे बना सकते हैं या फिर रैप बना सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे चिकन को मैं इसमें हल्का सा सॉटे कर ले रही हूँ, और अब मैं इसमें कुछ फ्लेवर डालूंगी। तो काली मिर्च का पाउडर, नमक और कुटी हुई चिली फ्लेक्स डाली है मैंने, कुटी हुई मिर्चें डालकर हल्का सा भून लिया है, और इसमें अब मैं कुछ सब्जियाँ डालूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ, आधी प्याज, थोड़ा सा टमाटर डाला है मैंने, साथ में मैं यहाँ पे शिमला मिर्च डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, कसा हुआ अदरक डाला है मैंने, और यहाँ पे बॉईल किए हुए हरे मटर डाले हैं। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ आपने डालनी हैं आप अपने चॉइस, अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, या आपके पास में जो अवेलेबल हो उस तरह से बनाएं। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है, और डालकर मैं इसे बहुत अच्छे से भून रही हूँ, जिससे सब्जियाँ भी हल्की सॉफ्ट हो जाएँ और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसको बहुत ही चटपटा, टेस्टी और अमेजिंग सा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें टेस्ट मेकर डाल रही हूँ, यानी कि मसाला है मैजिक। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप कर देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे बस इस तरह से मैं हल्का हल्का इसे मिला दे रही हूँ, जिससे नमक वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएं, और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त ये स्टफिंग बनती है। तो बस इसे मैं हल्का सा भून ले रही हूँ कुछ 2 से 3 मिनट, और ये स्टफिंग हमारी बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इस स्टफिंग से समोसे वगैरह या पैटीज़ वगैरह भी बना सकते हैं, इतनी अच्छी ये बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे देखें, हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर ले रही हूँ, बहुत गर्म है अभी ये, थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर हमें यूज़ करना है इसे। तो बस आगे के स्टेप में हमें क्या करना है कि अपने बैटर से हमें रैप या शीट तैयार करना है। उसी तरह से हमें एक कप में डालकर ये बैटर को पोर करना होगा, इसमें ये स्प्रेड हो जाएगी, थोड़ी सेटल हो जाएगी। तो इसकी साइड को चेंज करेंगे, और दोनों तरफ से हम इसे बहुत अच्छे से सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से जब तक सुनहरा सा कलर नहीं आ जाता, तब तक मैं इस शीट को सेक ले रही हूँ। बहुत अच्छे से ये कलर इसका बदल चुका है, गोल्डन सा प्यारा सा दिख रहा है। तो बस इस शीट को मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ, और अब इस शीट के अपोजिट साइड हमें क्या करना है कि हमारी स्टफिंग जो हमने तैयार की है वो रखनी है, और इसे दोनों तरफ से अच्छे से रैप कर इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखें, तो बन गया ना हमारा इंस्टेंट रैप या रोल। तो बस इस तरह से स्टफिंग बनाकर, अगर आपके पास में कुछ भी सब्जियां पड़ी हुई हैं तो आप इस तरह से बच्चों के लिए ये रोल या रैप बना सकते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छी लगेगी, और केचप के साथ में ये बहुत अच्छी लगती है। तो या आपको पराठे बनाने हो, इंस्टेंट क्विक अंडा पराठा, या फिर आप इस तरह से शीट से रैप भी बना सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल न्यू सी रेसिपी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को ये रेसिपी आई है पसंद, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको। ट्राई करते हैं तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए बहुत सारा ख्याल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।